हेलो फ्रेंड्स, और स्वागत है फिर दोबारा से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल घर की छत पर मुर्गी पालन पर। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की होली जो है वो अच्छी रही होगी और आपने अच्छी रीति से अपने परिवारों के साथ इस होली के त्यौहार को मनाया होगा। और साथ ही जैसे कि कुछ समय से वीडियो नहीं आ पा रही थी, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। कारण उसके लिए ये था कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है। बीच में थोड़ा जैसे जैसे मौसम बदल रहा है तो बुखार की शिकायत रही है 2-3 दिन तक, और उसके अलावा अभी भी गले में थोड़ी सी दिक्कत है, खराशपन है गले में अभी भी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम हो गया है वीडियो के लिए, तो क्यों ना आज एक वीडियो शेयर कर दी जाए, क्योंकि टॉपिक भी था। और आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो आप देख करके समझ सकते हो, क्योंकि ये हमारे एग्स लगाए हुए बटेर के, मैंने 115 एग्स लगाए थे और ये आज इनको पूरे 14 दिन कंप्लीट हो रहे हैं, और कल से मैंने इन एग्स को हिलाना नहीं है। तो इसमें अभी कुछ मैं चेंजेस करने वाला हूँ, तो उन सब विषय में हम लोग आज बात कर लेंगे। सबसे पहली चीज़ कि जैसे लास्ट टाइम हमने जब मुर्गी के एग्स लगाए थे तो उस टाइम हमने क्या करा था कि जो नेट हमने बिछा रखी थी इसमें वो हमने 18वें दिन हटा दी थी, और उसके बाद जो है जब चिक हैच हो रहे थे तो मैं नोट कर रहा था कि एग बहुत ज़्यादा हिल रहा था क्योंकि वो एक जगह पे स्टेबल नहीं हो पा रहा था। तो इस बार हमने क्या करा कि एक तो ये बटेर के एग्स जो हैं वो छोटे हैं और साथ में ज़्यादा भी हैं, तो हमने क्या करा क्योंकि अगर मैं नेट अभी लगा कर रखता तो शायद हमें अंडे रोटेट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एग्स हमने किस तरह से रोटेट करने थे, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ क्योंकि अभी लास्ट टाइम मैंने एग्स को रोटेट करना है। अभी हमने क्या करना था क्योंकि 14 दिन तक के जो बटेर के एग्स हैं वो हिलाए जाते हैं, तो अभी हमने नेट नहीं लगा रखा था, तो उसके लिए हमारे लिए ये ईजी ऐसा हो गया था कि ईजीली हम सारे एग्स को रोटेट कर ले रहे थे, है ना। क्योंकि अगर जाली रहती तो हो सकता था कि कुछ अंडे रोटेट ना हो, तो इस करके अभी हमने नेट नहीं लगाया था। और बाकी अगर बात करें तो अभी पानी भी काफ़ी कम है, और अभी मैंने ढक्कन खोला तो ह्यूमिडिटी लेवल भी गिर गया एकदम से, हालांकि अभी 50 के आसपास था। और ज़्यादा देर के लिए मैं इसको ओपन नहीं रखूँगा, जब मैंने इसको वो ओपन कर ही लिया है तो मैंने 2-3 चीज़ें करनी है। सबसे पहली चीज़ ये कि इसके नीचे जो नेट है वो मैं बिछा लेता हूँ, और वो बिछा करके फिर हम आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हो कि मैंने इसमें जो नेट है वो नीचे बिछा दिया है और जो एग्स है उसको फिर दोबारा से मैंने ऊपर कर दिए हैं। और साथ ही आपको ये बताना चाहूँगा कि एग्स को मैंने इनक्यूबेटर से निकाला नहीं है, बल्कि मैंने पहले ये सारे एग्स को एक तरफ इधर को सरका लिया और नेट को इस तरह से लगा करके और उसके एग के नीचे ले जा करके इस तरह से मैंने इसको करा है ताकि मेरे को टाइम भी बच सके और एग्स को ज़्यादा झटका भी ना लगे, क्योंकि अगर मैं इनक्यूबेटर से बाहर निकालता हूँ फिर एक एक करके अंदर रखूँगा तो उससे टाइम भी ज़्यादा लगेगा और झटके लगने के चांसेस भी थे। तो इस करके मैंने इसको स्लोली बड़े आराम से जो जाली है उसको नीचे सरकाया और एग्स को इनके पोजीशन पे रखा। बीच में मैंने जगह छोड़ रखी है पानी के लिए, और ये कॉर्नर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी मैंने एक पानी का बोल रखना है, क्योंकि अब जो ह्यूमिडिटी है वो हमने बढ़ा देनी है। और कोशिश तो यही रहती है कि 65+ रहे, लेकिन क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी लेवल रहेगा उतनी ज़्यादा चांसेस रहते हैं हैच के, और हैच रेट उतना अच्छा आता है। तो फिलहाल मैंने क्या करना है, अभी एग्स आप देख सकते हो कि सारे एग्स इसमें हैं, और इस बार मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरे को कैंडलिंग मैंने इस बार नहीं करी है, क्योंकि एक तो एग्स जाते हैं और एक एक करके अगर मैं करूँगा तो टाइम भी काफ़ी लगता, तो इस करके मैंने कैंडलिंग नहीं करी है। सो फ्रेंड्स, एग और नेट का काम तो हो गया है, और अब मैं इसमें जो पानी के बोल्स हैं वो रख देता हूँ ताकि ह्यूमिडिटी अच्छी बन सके। सो फ्रेंड्स, पानी के भी दोनों बोल्स मैंने इसमें रख दिए हैं, और
लास्ट टाइम मैंने क्या करा था, इसमें गुनगुना पानी डाला था, लेकिन इस बार मैंने इसमें सादा पानी डाला है, क्योंकि एक तो मौसम में भी गर्माहट है और ह्यूमिडिटी भी एकदम से बढ़ गई थी लास्ट टाइम, तो इस करके भी मैंने इस बार गुनगुना पानी नहीं डाला, सादा पानी डाला हुआ है। और फिलहाल मैं इसको कवर कर देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर मैं नहीं चाहता कि ओपन रहे ये। सो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि मैंने इसको कवर कर दिया है, और अब मैंने एग्स हिलाने नहीं है। और सॉरी, एक चीज़ रह गई है, मैं ह्यूमिडिटी मीटर रखना भूल गया हूँ, वो मैं रख देता हूँ पहले। ओके, तो ह्यूमिडिटी मीटर भी मैंने रख दिया है, और अब मैं कोशिश करूँगा कि मेरे को इनक्यूबेटर खोलना ना पड़े अगले 3 दिन तक, क्योंकि आज 14 दिन इसको पूरे हो रहे हैं और 15, 16, 17 एग्स हमने हिलाने नहीं है, और 17वें दिन से जो हैचिंग है वो हमारी स्टार्ट हो जाती है। तो देखते हैं इस बार क्या रिजल्ट रहते हैं, और क्योंकि इस बार हमने यही चेंज करा है कि जो नेट है वो हमने बाद में लगाया है, और साथ ही पानी के जो बॉल्स हैं उसमें नॉर्मल वाटर हमने रखा है बजाय उसमें गुनगुना पानी डालने के। तो देखते हैं हैच रिजल्ट्स क्या आते हैं, जो और साथ ही स्टार्टिंग में भी हमने कुछ चेंजेस करे थे कि जो हमारा इनक्यूबेटर है उसके होल्स जो है वो हमने बड़े करे हैं सारे। तो ये चेंजेस मैंने जब एग्स लगाए थे स्टार्टिंग में उसी टाइम करा था, क्योंकि लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा कि जो एक चीक है लगभग पूरा डेवलप होकर के अंदर ही मर गया। तो कुछ लोगों का कहना था कि ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण से ऐसा हुआ है, तो इस बार कोशिश यही करी गई है कि जो भी गलतियाँ पिछली बार हुई है वो ना दोहराई जाए, और बटेर के एग्स का फर्स्ट हैच ये है मेरा। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, और साथ ही आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे वीडियो को और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दर्शाइए उसमें, और हमारे वीडियोस को और भी ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और साथ ही जो भी आपके डाउट्स रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं, वो आप शेयर कर सकते हैं, ताकि हम सब लोग मिल करके एक दूसरे के डाउट्स को क्लियर कर सकें, और इसी तरह से एक दूसरे की हेल्प करते रहें और एक दूसरे से सीखते रहें। क्योंकि चैनल में मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ग्रुप्स में आप लोग अपने एक्सपीरियंस मेरे शेयर करते हैं, तो उससे मैं भी बहुत कुछ सीखता हूँ। तो इसी तरह से एक दूसरे के साथ हम लोग बने रहें और अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते रहें, और साथ ही जो सवाल हैं जो नए लोगों के लिए हैं, सॉरी, जो नए लोगों के पास सवाल होते हैं वो आप लोग शेयर कर सकते हो, ताकि हम लोग उसके आंसर्स आप लोगों को दे सकें। और साथ ही बस ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा और वीडियो को यहीं पे समाप्त करूँगा, और आप सभी से फिर दोबारा से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को और भी ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और साथ ही ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।